गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। फोर सम हमारे हो चुके हैं। ओके बच्चे, फोर सम हमने कर लिए कल। थर्ड और फोर्थ सम क्या था? एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। आज हम करेंगे फिफ्थ सम। ओपन योर मैथ्स बुक। ये सम आपने अपनी बुक्स पर राइट करने हैं। सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद डे एंड एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। फिफ्थ सम है, 2.2 का फिफ्थ सम है बच्चे। सम है फिफ्थ सम, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। सक्सेसर का मीनिंग आपको पता है? सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? वन ऐड करना। सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? हमें कोई नंबर्स दिए होंगे, उसमें हम क्या करेंगे? वन ऐड करेंगे। जैसे हमें दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, 199 दे रखा है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 200। तो इसी तरह इसे बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर में क्या होता है? 1 ऐड करना। हम इसका ए पार्ट करेंगे बच्चे। देखो ए पार्ट क्या है? 39,099। इसमें हम करेंगे 1 ऐड करेंगे। क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर क्या आएगा? 39,100। क्या आएगा? 39,100। 99 में 1 ऐड किया। बी पार्ट देखिए, 41 0 1 9 1 ऐड कीजिए। 9 1 10 1 1 2 0 6 3 1 4 क्या आएगा? 41,36,20। 41 lakh 41 lakh 36,020। अगर आपको नहीं पता चल रहा 1 ऐड करके क्या आएगा, तो आप अपनी सिंपल 1 ऐड करके भी दिखा सकते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। सी पर देखिए, 5,32,990। 1 ऐड कीजिए इसमें। 9 1 10 9 1 10 9 1 10 2 1 3 3 5 क्या है? 5,33,000। ओके, इसे क्या बोलेंगे? राइट द सक्सेसर्स ऑफ दिस। सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? 1 ऐड करना। सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है? 1 ऐड करना। 99 में 1 ऐड किया, क्या बनेगा? 100। 90 में 1 ऐड किया, क्या बनेगा? 20। 999 में किया, क्या बना? 5,33,000। ये था आपका सक्सेसर फॉर्म। सक्सेसर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? 1 ऐड करना। सक्सेसर फॉर्म उल्टा क्या होता है? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या होता है? 1 लेस करना। जैसे सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, वैसे ही प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं? 1 लेस करते हैं। सक्सेसर में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। प्रीडिसेसर में क्या करते हैं? 1 लेस करते हैं। ओके, सक्सेसर का उल्टा प्रीडिसेसर होता है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 38,000 में 1 लेस कर दीजिए, क्या आएगा? 0 में से 1 नहीं जा सकते, यहाँ से बोरो लेंगे, क्या बनेगा? 10 में से 1 गए, 9। इसके पास क्या बचा? 9। इसके पास क्या बचा? 9। इसके पास 7। इसके पास 3। क्या आंसर आएगा? 37,999। प्रीडिसेसर में क्या होता है? 1 लेस, और सक्सेसर में 1 ऐड। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 41,900 में
वन लेस कर देंगे, जीरो में से वन नहीं जा सकते, बोरो लेंगे, टेन में से वन टेन, नाइन नाइन, यहाँ क्या बचा एट, वन फोर, क्या आंसर आया 41,899, क्या आया 41,899। सी पार्ट क्या है 78,10,000, 78,10,000, वन लेस कीजिए इसमें से भी, जीरो में से वन नहीं जा सकते, टेन में से बनेंगे, नाइन 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 नाइन, यहाँ इसको दिया क्या हमने नाइन, यहाँ क्या बच गया जीरो, एट सेवन, 78,9,999। ओके दोबारा से रिपीट करियो, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस, सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, वन ऐड करना, कोई भी नंबर्स डिजिट्स कुछ भी दिए होंगे उसमें आप वन ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा सक्सेसर फॉर्म। सिक्स्थ सम क्या है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ दिस, प्रेडिसेसर का मीनिंग क्या होता है वन लेस करना, सक्सेसर में क्या करते हैं वन ऐड करते हैं और प्रेडिसेसर में क्या करेंगे वन लेस कर देंगे, कोई भी नंबर्स डिजिट्स कुछ भी दिया हुआ उसमें हम वन लेस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मीनिंग वन लेस कर देना। ये आपका फिफ्थ और सिक्स टर्म हुआ, इसे आपने अपनी नोटबुक पर राइट करना है, डेट मेंशन करनी है सबसे पहले, फिर डे एंड उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है, आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपने अपनी नोटबुक पर करना है बच्चे, आपका आज का इतना होमवर्क है, जो पार्ट्स नहीं करवाए वो आपने अपना प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।